रेप के आरोपी और भगोड़े स्वामी नित्यानंद की अलग देश बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि नित्यानंद ने एक आइलैंड खरीद कर अपना अलग देश बसा लिया है। उसने अपने देश का नाम कैलासा रखा है। नित्यानंद ने एक वेबसाइट बनाकर नए देश कैलासा की जानकारी दी है। एक आइलैंड खरीद कर अपना अलग देश बना लेने की ये कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है। अपना देश बना लेने का किस्सा तो अलग है, लेकिन ये सच है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आइलैंड खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास पैसे हों तो आप अपना आइलैंड खरीद सकते हैं। दुनिया भर में आइलैंड खरीदे और बेचे जा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो आइलैंड किराए पर भी दिए जा रहे हैं। आइलैंड खरीदना बिल्कुल घर मकान खरीदने जैसा है। अपनी पसंद का आइलैंड चुनिए और कीमत देकर वहां अपना आशियाना बसा लीजिए। जी हाँ, कीमत भी लोकेशन के आधार पर कम ज्यादा होती है। आइलैंड खरीदना उतना भी महंगा नहीं है जितना शायद हम सोचते हैं। कई बार तो ये $1,00,000 यानी 72 लाख में भी मिल जाता है। आमतौर पर बड़े बड़े लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए सुनसान और दूर दराज का कोई आइलैंड खरीद लेते हैं। ये उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जिसका वो अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आइलैंड की कीमतें लोकेशन के हिसाब से कम ज्यादा होती हैं। मसलन सेंट्रल अमेरिका में आइलैंड सस्ते में मिल जाते हैं, जबकि यूरोप में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। बहामास और फ्रेंच पॉलिनेशिया जैसे इलाकों में आइलैंड खरीदना आसान नहीं होता। ज्यादा सुविधा संपन्न होने की वजह से इनकी कीमतें काफी अधिक होती हैं। लंदन में एक आइलैंड की औसत कीमत $7,500,000 यानी करीब 5,36,00,000 रुपए होती है। मैनहट्टन ज्यादा महंगा है। यहाँ आइलैंड की कीमतें $9,70,000 यानी करीब 6,93,00,000 रुपए होती है। आइलैंड खरीदने में भी मोल भाव होता है। कभी कभार भाव अच्छा पड़ गया तो आप सस्ते में भी आइलैंड खरीद सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और कनाडा में बेस्ट डील मिल जाती है। रियलिटी सेक्टर की तरह आइलैंड बेचने में ब्रोकर भी शामिल होते हैं। कई बार आइलैंड की कीमत $5,000,000 इतनी महंगी भी हो सकती है। आइलैंड खरीदने वाले ज्यादातर लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए द्वीप खरीदते हैं। ये ज्यादा बड़े नहीं होते, इनमें छोटा मोटा घर बनाया जा सकता है। आसपास के इलाके को अपने हिसाब से सजाया संवारा जा सकता है। सबसे खास बात तो ये होती है कि हरियाली के बीच कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। कई लोग बड़ा और महंगा आइलैंड खरीद कर इलाके का अपने मन मुताबिक विस्तार करते हैं। आइलैंड खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसे एक उदाहरण से इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जर्मन नागरिक से नोवा स्कोटिया में 16 एकड़ का आइलैंड खरीदा। इसकी कीमत लगभग $60,000 थी। उस आइलैंड में कुछ भेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। कई कंपनियां ऑनलाइन आइलैंड बेचती हैं। इनमें आइलैंड की तस्वीर के साथ उसकी सारी जानकारी दी जाती है। कई आइलैंड इतने सुविधा संपन्न होते हैं कि वहां आपको सिर्फ जाना होता है, बाकी चीजें वहां मौजूद होती हैं। पावर सप्लाई से लेकर सारी सुविधाओं का इंतजाम होता है। आइलैंड बेचने वाली एक ऑनलाइन कंपनी प्राइवेट ई आइसलैंड ऑनलाइन अपने पास बिक्री के लिए 683 आइलैंड होने का दावा करती है। इसके वेबसाइट में आइलैंड की तस्वीर के साथ साथ उसकी कीमतों के बारे में भी बताया गया है। इसमें आइलैंड के भूभाग को लेकर भी जानकारी दी गई है। थाईलैंड के पास रंगयाई आइलैंड बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत लगभग $16,00,000 रखी गई है। ये फुकेट आइलैंड के पूर्व में स्थित है। ये इलाका सैलानियों के बीच खासा मशहूर है। इस इलाके में ये सबसे बड़ा आइलैंड है, इसीलिए इसकी कीमत भी ज्यादा है। 110 एकड़ में फैले रंगयाई आइलैंड में पावर सप्लाई से लेकर मोबाइल सिग्नल तक आता है। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। नजदीकी शहर से यहाँ बोट के जरिए सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इसी तरह का एक आइलैंड ऑफ पेट्रोक्लास है। यूरोप के इस आइलैंड को बिक्री के लिए रखा गया है। कीमतें खरीदते वक्त मोल भाव के लिए छूट दिया गया है। 683 एकड़ में फैला आइलैंड ऑफ पेट्रोक्लास एथेंस के नजदीक है। यहाँ खेती लायक जमीन भी है। 5,000 से ज्यादा ऑलिव और पाइन के साथ दूसरे पेड़ हैं। यहाँ का मौसम सालों भर सुहावना बना। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।